हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड या गुणा, गुणा कैसे किया जाता है, जो कि हम ट्रिक्स के माध्यम से गुणा करने की प्रक्रिया को सीखेंगे। इसमें हम सामान्य दो संख्याओं का गुणा और दो संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है, या तीन संख्याओं को कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से गुणा करते हैं। यह ट्रिक्स हमारे एग्जाम की रजिस्ट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम दो संख्याओं का गुणा या मल्टीप्लिकेशन, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम इन गुणाओं की ट्रिक्स को आसानी से समझेंगे। तो पहली ट्रिक आती है दो संख्याओं का गुणा। तो दो संख्याओं में जैसे कि हम कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दो संख्या होती है, जैसे कि हमें 15 और 17 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंपल सी ट्रिक होती है कि पहली संख्याओं को, जैसे कि हमें 15 और 17 को गुणा करना है, तो इनको गुणा करने के लिए हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे कि 15 को 17 से गुणा करना होता है। तो इसको डायरेक्टली टेक्निकल माध्यम से सॉल्व करने के लिए 101 को 1 से गुणा करते हैं और इसको 5 को 5 से, इसको इस प्रकार से गुणा करते हैं, जैसे कि ये इसका इसके माध्यम से हम इसको गुणा करते हैं, जैसे कि 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा और कैरी चल जाएगा 3, और इसी प्रकार से 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, सिमिलरली 1 इधर आ जाएगा। तो इस अब बाद में करते हैं हम इसको 1 को 5 को 1 से गुणा करेंगे और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 और 7 को दोनों को प्लस कर देंगे, 7 5 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 में 3 प्प्लस करेंगे तो अपन 15 का 5 हो जाएगा और एक हासिल में चला जाएगा, और वापस 1 को 1 से गुणा करने पर क्या जाएगा 2, तो इसका सोल्व करने पर इसका आंसर क्या 255। इस प्रकार से हम दो संख्याओं का आसानी से गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एक जैसी प्रकार, जैसे कि 55 × 35 को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सेम इसी प्रकार से 5 × 5, तो अगर आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये शॉर्ट में आसानी से जल्दी से हो जाएगी। तो 5 × 5 25, कैरी चल गया 2, और इनको गुणा करेंगे तो 5 × 15 और 25 40, 40 और 2 42 हासिल के 4, तो 5 × 15 और 4 19, इस प्रकार से इनको गुणा करने पर आ गया 19 25। इस प्रकार से हम दो संख्याओं को आसानी से गुणा कर सकते हैं। इसके बाद आती है जो संख्या 100 के आसपास होती है उनको हम कैसे गुणा करेंगे। तो इसके बाद आती है 100 के आस पास की संख्याओं का गुणा या मल्टीप्लाई। तो इसको हम 100 के आसपास की संख्याओं के गुणा किस प्रकार से करेंगे, तो इसको भी हम एक ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 के आसपास की संख्या है, जैसे कि 100 के आसपास की संख्या होगी 90 से, उनको अपन को 95 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से हम सभी ट्रिक्स को समझें, तो ये एक एग्जांपल है, इसको हम समझते हैं। तो 95 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम गुणा करने के लिए सिंपल सी, जैसे कि 100 से हमें कितना कम है, ये 3 कम है, तो इसके नीचे -3 लिख लेंगे, और ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो ये -5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 95 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 92 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों में से किसी में से भी, अगर 95 7 में से भी अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 92 ही आएगा, और दोनों में से एक घटा ना है, तो इस प्रकार हम दोनों को गुणा करेंगे। दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा, 3 × 5 तो 15 इसका आंसर आ गया। तो इन दोनों को गुणा करने पे क्या आता है, 9 × 15 इसका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल होता है, दूसरा एग्जांपल हम यहाँ सोल्व करते हैं, जैसे कि ये हो गया दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, तो 95 को 96 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 कम ये 4 कम, दोनों को घटाएंगे तो 91, और इसको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो 91 20 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हम आगे की संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, इसके हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये टेक्निकली हमारी स्पीडली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है 100 से अधिक संख्याओं का गुणा, तो इसको हम 100 से बड़ी संख्याओं का गुणा, 100 से
अधिक संख्याओं अधिक का गुणा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि 100 से अधिक में आती है जो संख्या 100 से ज़्यादा या 100 प्लस संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे कि हमें दो तीन संख्या होती है 100 से अधिक, जैसे कि 102 इंटू 101 करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम सेम उसी प्रकार से गुणा करेंगे, जैसे कि 100 से प्लस 2 ज़्यादा है और ये प्लस 1 ज़्यादा है, तो इसको हम इसमें से प्लस कर देंगे। उसमें क्या करते थे, हम इसको माइनस करते थे, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो 100 में 101 में 2 जोड़ेंगे तो 103, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो लगा के हम लिख देंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इनको गुणा करने पर आंसर आ गया 10302, इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 105 इंटू 107 को हम ट्रिक्स के माध्यम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना ज़्यादा है, प्लस 5 और ये प्लस 7। सिमिलरली 75 जोड़ेंगे तो 112, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम 100 के आसपास की 100 से कम और दो संख्याओं की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। इसके बाद आती है, जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि दो संख्याएं मिश्रित हो जाती है, जैसे कि मिश्रित गुणा हम नाम दे देते हैं, मिश्रित गुणा, जैसे कि 100 के आस 100 से अधिक की भी और 100 से कम भी हो, जैसे कि 102 इंटू 98, तो इनको हम कैसे गुणा करेंगे, तो ये तो प्लस 2 ज़्यादा हो रही है, माइनस 2 कम है, तो इसको हम सिमिलरली वैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इनमें इसको या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 100, और जैसे कि कितना कम है, 2 इंटू 2 4, तो ये क्या आएगा माइनस का 4, तो इसको 2 जीरो लगा के यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9, तो 9996 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन संख्याओं को क्या करते हैं, अपन गुणा और हल करते। तो आपको हमारा ट्रिक्स कैसी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन।